All right, so there are some questions and some speculations कि मैं इस इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट कुछ वीडियो बना रही हूँ या इस इंसान के अगेंस्ट कुछ वीडियो बना रही हूँ एंड ब्ला ब्ला ब्ला। सो पहली बात तो ये बेटा कि इस पूरी कोचिंग इंडस्ट्री में शायद आई एम द लीस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन टू मेक एनी वीडियोस, और अगेन गोबर नहीं फ़र्क पड़ता किसी को मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला, ठीक है। तो मेरे को कोई ग्रज नहीं है अगेंस्ट एनी पर्सन और एनी इंस्टीट्यूट, ना ये पिछला वाला ना उसके पिछला वाला ना उसके पिछला वाला। एवरीबडी इज़ डूइंग व्हाट दे हैव टू डू, सबको पैसा कमाना है, सबको अपना अपना मतलब देखना है, दैट इज़ लाइफ, दैट इज़ ओके, ठीक है। कोई ख़ास ऐसे टारगेटेड किसी एक पे नहीं बना रही हूँ। बात यह है कि एज अ वर्किंग प्रोफेशनल मैं ये सब बातें नहीं बोल सकती थी अगर मैं किसी इंस्टीट्यूट के साथ एसोसिएटेड हो, है ना। और भी बहुत सारे टीचर्स ये सब बोलना चाहते हैं बट वो बोल नहीं पाते हैं, रीज़न बिंग क्योंकि वो अभी वहाँ काम कर रहे हैं। सो एज सिंपल इज़ दैट, ठीक है। सो ये बात है कि आई एम नॉट टारगेटिंग एनी बडी, आई एम जस्ट टेलिंग यू थिंग्स दैट आई ऑलवेज वॉन्टेड टू से बट मैं किसी को बोल नहीं पाई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं काम कर रहे हो आप किसी यार जिससे कमा रहे हो उसको थोड़ी ना लात मारोगे, सिंपल सी बात है ना। तो दैट इज़ द कोर ऑफ इट, ठीक है। अभी मैं क्यों बोल रही हूँ क्योंकि ताकि आपको आइडिया लगे, बिकॉज ऑफ द ऑनलाइन सो मच इन्फॉर्मेशन एंड सो मच मिस इन्फॉर्मेशन, और ज़्यादा कन्फ्यूजन बढ़ गया है ओवर द टाइम इंस्टेड ऑफ कम होने की जगह, ठीक है। तो वो चीज़ को अवॉइड कराने की कोशिश कर रही हूँ मैं कि मे बी इफ़ आई गिव यू सम लॉजिकल बेसिक इनसाइड काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन तो आपको उसका उससे फ़ायदा हो जाए एंड यू टेक अ बेटर इन्फॉर्म डिसीजन, ये एक पॉसिबिलिटी, ठीक है। दूसरी बात, जहाँ तक रही लोगों की बात कि इससे ग्रज उससे ग्रज ये वो, भाई एक टाइम पे मुझे था और मुझे बहुत सॉलिड गुस्सा था क्योंकि समवेयर हाउ फेमस यू आर, तुम्हारे फॉलोअर्स, तुम्हारा एंटरटेनमेंट क्वालिटी, तुम्हारा इमोशनल फैक्टर क्रिएट करने वाला, एक इमोशनल ब्लैकमेल करने वाला क्वालिटी वॉज क्या इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन ऑनलाइन टीचिंग दैन कॉन्सेप्ट दैन एक्सपीरियंस ऑफ टीचर दैन लेजेंड बस पढ़ाने का, ठीक है। आई वॉज सीइंग अ लॉट ऑफ टीचर्स बींग रिमूव्ड, लूजिंग देयर जॉब्स बिकॉज वो सिर्फ पढ़ा रहे थे, ठीक है, एंटरटेनिंग नहीं थे। तो वो चीज़ का गुस्सा था मुझे, और वो जब मेरे पे भी आई बात तो मुझे उस चीज़ का गुस्सा था और आज भी है, ठीक है। बट ओवर द टाइम इतना मुझे समझ में आया कि यही है जो है, ठीक है, दिस इज़ वॉट वर्क्स, दिस इज़ वॉट सेल्स एंड गुड फॉर देम। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई लकीली फॉर मी कि आई टुक अ स्टेप विच आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बट डिडंट हैव द करेज टू एट अ पॉइंट, क्योंकि आप भी कभी कभार सोचते हो यार अभी तो अच्छा चल रहा है ना सब कुछ, एक स्टेप है, शायद अच्छा हो शायद बुरा हो पता नहीं, चांसेस अच्छा होने के ही हैं, मगर फिर भी आई डोंट नो, ठीक है, आई डोंट रियली नो। तो क्या करूँ क्या नहीं करूँ, वो कश्मकश जो थोड़ी सी टेंशन होती है, कन्फ्यूजन होता है, उसमें कोई आके एक ऑप्शन बिल्कुल हटा ही दे तो देन दैट्स गुड ना। तो जब द गुड पार्ट इज अब मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ता, रीज़न बींग कि अब ना तो मैं वहाँ हूँ सो आई डोंट गिव अ शिट, ठीक है, ना उस इंडस्ट्री ना उस चीज़ से रिलेटेड मेरा कुछ लेना देना है अब, सो आई डोंट केयर एनी मोर। द अदर थिंग इज वट एवर हैपेंड, हु एवर डिड वॉट एवर थिंग्स, जिसने जो भी स्टेप लिया हो आज की डेट में उसकी वजह से आई कुड टेक अ स्टेप दैट मेड मी रीच दिस नाइस हैप्पी बढ़िया प्लेस, ठीक है। तो आई हैव नो प्रॉब्लम, जिसको भी जो करना है करे। और दूसरी बात जहाँ तक रही कि ये सब बोल के कुछ मेरा एडवांटेज हो जाएगा, तो अपने एडवांटेज की बता देती हूँ मैं। मेरे पास 2 रुपये नहीं आए इस चैनल से अभी तक, ठीक है, प्लस माइनस मोनेटाइजेशन के बाद से प्लस माइनस होके 2 रुपया नहीं आया अभी तक अकाउंट से, ठीक है। ऑलमोस्ट साल होने को आया है इस चैनल पे वीडियो डालते हुए, 0 मनी आई हैव रिसीव फ्रॉम इट। तो फ़ायदा आई डोंट नो, ठीक है, मेरे लिए तो यूट्यूब से अभी कुछ होता तो कुछ पैसे आने चाहिए थे, कुछ होना चाहिए था, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो फ़ायदा ये है बस कि तुम लोगों को थोड़ा पता चल जाए बातें, वो भी आई एम नॉट दैट बिग ऑफ डील ऑनलाइन,
तो मुझे पता है वो भी कुछ खास कितनों का ही फर्क हो रहा होगा, लेकिन ठीक है कुछ बच्चों का भी फायदा हो जाए तो ठीक है, अच्छी बात है। और जहाँ तक रही ऑनलाइन पढ़ाने की बात और ऑनलाइन सिस्टम में एस्टेब्लिश होने की बात, नवंबर 2021 में मुझे ये समझ में आ गया था कि मेरे बस की नहीं है ऑनलाइन का सिस्टम, ठीक है। और उसका प्रूफ ये है कि मैं अपने चैनल पर भी इतना टाइम से काम कर रही हूँ, मेरे को कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। सो आई नो दैट देयर समथिंग दैट इज रिक्वायर्ड टू वर्क ऑन एन ऑनलाइन सिस्टम, ऑनलाइन टीचिंग सिस्टम विच आई डोंट हैव। एंड वो चीज़ मुझे 2 साल पहले 2021 में समझ में आ गई थी, एंड आई मेड माई पीस विद इट। दैट इज़ वाई मैंने बहुत पहले से सोचना शुरू कर दिया था कि इफ नॉट दिस देन वॉट, सिंपल देन आई डिसाइडेड वट आई वॉन्टेड टू डू, ठीक है। तो एट दिस मोमेंट मैं किसी का बुरा अच्छा दुनिया तबाह कर दूंगी ऐसा नहीं है। उन्हीं कोचिंग्स में जाओगे आप, वही कोचिंग पढ़ाएंगे, उन्हीं टीचर से पढ़ोगे। आई एम नॉट गोइंग टू चेंज समथिंग ड्रामेटिकली और ड्रास्टिकली, बट हाँ आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सको, दैट्स ऑल आई वॉन्ट। बाकी तुम्हारी मर्जी है, बाकी फिर जो सोचना है वो भी तुम्हारी मर्जी है, दैट्स टोटली योर चॉइस। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।